बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो रिंगनिंग के ऊपर है, ठीक है। रिंगनिंग की जो फीमेल है उसको अगर चर्बी आ जाए या किसी भी मतलब परिंदे को चर्बी आ जाए, उसकी चर्बी जो है वो कैसे ख़त्म करनी है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास फीमेल है, इसे जो है वो चर्बी भी हुई हुई है और माशाल्लाह ये ब्रीड पर भी आई हुई है, ठीक है। जिसकी वजह से ये जाली के साथ चिमट कर जो है वो चलती है, ठीक है। उड़ती नहीं है इतना ज़्यादा, इसे डराएँ तो उड़ती है, वैसे नहीं उड़ती। नर जो है वो मेल जो है वो माशाल्लाह से वो डरता भी उड़ता भी है। ये देखो ये काटेगी उड़ेगी नहीं, ठीक है, या चिपट के जाएगी, ठीक है। और मेल जो है वो उड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेल जो है वो अच्छे से उड़ता है और फीमेल जो है वो अच्छे से उड़ती नहीं है। इसकी वजह यही है कि इसको जो है वो चर्बी आई हुई है, ठीक है। तो इनकी जो चर्बी है वो कैसे कम करनी है, इसकी शोर काफ़ी सारा जो है वो कर रहे हैं क्योंकि इनके मैं केज में आया हुआ हूँ, ठीक है। तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, पहले जो है ये छोटे से केज में मैंने रखे हुए थे, ठीक है। इतना छोटा भी नहीं है लेकिन ठीक है ब्रीडिंग के लिए, लेकिन ये बैठ बैठ के इसे जो चर्बी वगैरह वो काफ़ी जो हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये इसे इस कलोनी में छोड़ा है, ठीक है। ये काफ़ी जो जगह है इसके उड़ने के लिए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जो जगह है मैंने बनाई है इनके लिए। वजह यही है कि अगर आपने आपके भी परिंदे को अल्लाह ना करे अगर ये चर्बी वगैरह है तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि इनका जो दाना है मतलब उनमें जो है वो जो ना जो होता है, ठीक है, जिससे चावल जो निकलते हैं वो इनको है वो ज़्यादा दें, ठीक है। मकदार जो है उसकी झोने की जो है वो ज़्यादा कर दें, सूरजमुखी जो है उनकी जो है वो मकदार थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है। झोने से जो है इनकी जो है वो चर्बी वगैरह वो ख़त्म हो जाती है और ये फ्रेश और एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और दूसरी मेन बात ये है कि आपने इसे जो है खुला जो है कोई भी आपके पास केज है या कलोनी है आपने इसे छोड़ देना है और इसे थोड़ा सा जो है वो तंग करना है, मतलब कि ये उड़े, ठीक है, उड़ने की कोशिश करे, ठीक है। ये देखें आप ये उड़ती है लेकिन ये इसे मैं छेड़ूंगा, ये उड़ेगी और काटती भी है, ठीक है। तो इसे आपने किसी भी स्टिक की मदद से आप इसे जो है वो तंग करें थोड़ा सा और ये उड़ेगी, ठीक है, इधर उधर जाएगी, थोड़ा सा जिस्म को अपने को हरकत देगी। तो इसकी वजह से जो है इनकी जो है वो चर्बी वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो जाएगी, तो काफ़ी हद तक ये बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगी। तो कोशिश करो कि आप इन्हें जो है अगर आपके पास कलोनी वगैरह नहीं है, ठीक है, आपके पास छोटा केज ही है तो आप उसमें भी थोड़ा सा इसे जो है वो तंग करेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है वो सेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज़।